Vivo T3 5G को हम पिछले एक महीने से हमारे प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप हमें पहले से जानते हो तो आपने देखा होगा हमने इसका कैमरा टेस्ट का वीडियो भी आपको दिया है, बहुत सारे आपको कंपैरिजन भी दिए हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यार हम किसी भी स्मार्टफोन को अच्छी तरह से यूज करते हैं, उसको अच्छी तरह से चलाते हैं, तभी हमें अच्छे से पता चलता है कि ये स्मार्टफोन आपके लिए सही है या फिर नहीं है। और मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि Vivo की जो T सीरीज है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती है। तो यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी मेरे भाई या बहन के कोई भी पैसे वेस्ट हो, क्योंकि दोस्तों हम ना यार कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक दो महीने में नया नया स्मार्टफोन ले लेते हैं। दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि यार 3-4 साल तक कोई भी स्मार्टफोन ले तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इस स्मार्टफोन के अंदर जो हमने कमियां देखी है, जो खूबियां देखी है, जैसे कि यहाँ पे काफी लोग बोल रहे थे कि भाई 5G की यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। 5G बैटरी ड्रेन वगैरह का इश्यू, हमने इसको अपडेट भी किया है, अपडेट के बाद में क्या प्रॉब्लम है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इस स्मार्टफोन को हमने खुद ने बाय किया है, तो जो भी बताएंगे आपको एकदम होनेस्ट बताने की ट्राई करेंगे, कोई भी यहाँ पे प्रमोशन की वीडियो नहीं। तो सबसे पहले अगर आप इसके डिजाइन को देखोगे ना, तो इसके डिजाइन आपने जो Realme C2 थे, जो टेक्नो के मोबाइल आते हैं, उनकी जैसी यहाँ पे कुछ ये फील आती है। मतलब डिजाइन सच कहूं मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी इस कलर के अंदर। हाँ आप लाइट वगैरह के अंदर जाओगे थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेगा। और जो कैमरा के मॉड्यूल है वो काफी ज्यादा सिंपल है, और पीछे ना आपको प्लास्टिक ही मिलती है यहाँ पे। हाँ प्लास्टिक थोड़ी सी प्रीमियम यूज की ऐसे फील नहीं होता, ऐसे लगता है ग्लास है। और जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की मिलती है। और पीछे आप देखोगे ना इसके 3 कैमराज शो हो रहे हैं, पर 3 कैमराज है नहीं एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर 2 ही कैमरा है, जिसके अंदर काम का कैमरा एक ही है। जो तीसरा यहाँ पे नीचे दिख रहा है फ्लिकरिंग सेंसर है, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम है, पूरी डिटेल में बताएंगे। और सबसे जो बड़ी कमी मुझे इसके अंदर देखने को मिली वो ये कि यार इसके अंदर ना आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, और इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और इसके अंदर NFC भी नहीं है। हाँ इसके अंदर ड्यूल स्पीकर आपको मिल जाएंगे, पर दोस्तों यहाँ पे डॉल्बी एटमोस का अगर आपको सपोर्ट मिलता ना तो यार आवाज वगैरह के अंदर आपको और भी यहाँ पे काफी मजा आता। और 3.5 mm का जैक तो यार मिलना ही चाहिए था, क्योंकि ये ना टी सीरीज जो है ये थोड़ा परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करती है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। और जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों वो आपको ना डिस्प्ले के अंदर ही मिलता है, और फिंगरप्रिंट को हमने काफी बार टेस्ट भी किया है तो ये हर बार अच्छे से वर्क करता है। और इस प्राइस के अंदर आपको ना फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। और हमने इसको जहां तक यूज किया है इतना भारी महसूस नहीं होता है आप जब भी चलाते हो, क्योंकि 188 ग्राम इसका वेट है। और इसके अंदर ना आपको बैटरी भी जबकि 5000 mAh मिलती है। अगर बैटरी की बात आ ही चुकी है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब हमने इसको नया लिया था तब इसकी बैटरी बहुत अच्छी चल रही थी। जब से हमने इसको अपडेट किया है दोस्तों, तब दोस्तों आप जब भी ज्यादा गेमिंग वगैरह करोगे थोड़ा सा यहाँ पे बैटरी ड्रेन का इश्यू मिल रहा है। पर दोस्तों मैंने जहां तक जितने भी स्मार्टफोन को यूज किया है वो लगभग सभी के अंदर होता है, मतलब इतना तो नहीं, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आपको ना 7 घंटे का बैकअप आराम से मिल जाएगा। अब काफी भाई बोलते हैं कि हमारा बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है, तो देखिए अगर आपको लगता है कि बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रही है तो एक तो देखिए आप जो लाइव वॉलपेपर वगैरह लगाते हो या फिर दोस्तों आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ज्यादा ऑन रखते हो तो आप ना इनको ऑफ कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपकी ना बैटरी थोड़ी बच सके। और जो चार्जर है वो दोस्तों आपको 44 वाट का मिलता है। अगर आप 0 से 100% चार्ज करोगे ना तो यहाँ पे पहले 1 घंटे के अंदर हो जाता था, पर दोस्तों जब भी आपका मोबाइल हीट वगैरह ज्यादा रहेगा, गर्म रहता है, आप गेमिंग वगैरह करके जस्ट चार्ज लगाओगे तो दोस्तों आपको ना 1 घंटे से ऊपर लग जाता है जब भी आप 0 से 100% चार्ज करोगे। अगर आप 5G सिम इसके अंदर यूज करते हो और आप चाहते हो कि यार मुझे ना फ्री यहाँ पे इंटरनेट चलाना है, तो काफी भाइयों के मेरे पास पर्सनल कमेंट भी आए थे कि भाई हमारे मोबाइल के अंदर नहीं चल रहा है, तो देखिए इसके अंदर सपोर्ट करता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्मार्टफोन लिया अगर आपके नहीं वर्क कर रहा है तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर जाकर इसको अपडेट करना है। इसके अंदर अपडेट आ चुका है, जिसने अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कीजिए। अगर आपके फिर भी नहीं चल रहा है तो आप माई जियो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पर जाकर दोस्तों आप इसको ऑन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो दोस्तों आपके नेटवर्क वगैरह को चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 8 5G के बैंड्स मिलते हैं, तो जो मेन बैंड्स है वो इसके अंदर आपके अवेलेबल है। हमने यहाँ पे ट्राई भी किया है, काफी अच्छे से हमारा 5G इंटरनेट चलता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसकी प्राइस को आपको सही से डिस्कस करके बताता हूँ, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं भाई इसकी प्राइस 18,000 है, मतलब एक्चुअल जो प्राइस है 8128 की वो आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, पर काफी लोग बोल रहे हैं कार्ड वगैरह ऑफर लगाकर ये आपको 18,000 तक मिल जाता है। पर दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होते हैं, या फिर दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे ऑफलाइन से ज्यादा खरीदने वाले हैं। तो मैंने ना यहाँ पे आपके टेस्ट के लिए, आपको बताने के लिए ऑफलाइन मार्केट जाकर भी देखा,
तो वहां पर दोस्तों आपको 2000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपका कोई जानकार होगा तो आपके 1000 से 500 रुपए तक डिस्काउंट कर सकता है। और दोस्तों अभी मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर देखा, पहले 2000 डिस्काउंट था, अभी आपको सिर्फ 1500 रुपए का ही डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये आपको 18,500 तक मिल जाएगा। और अगर आप R256 के अंदर खरीदते हो तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, 22,000 रुपए, तो मेरे हिसाब से R128 आपके लिए ठीक। चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि जो टी सीरीज है ये स्पेशली आप गेमिंग को टारगेट करती है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देती है। तो इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 70200 प्रोसेसर, जो कि 4nm पर बेस्ड है। अगर आप इस प्राइस के हिसाब से इस प्रोसेसर को देखोगे भाई साहब, बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसके एंटूतु स्कोर आप देखोगे 7,00,000+ है, जो कि इस प्राइस के अंदर आपको बहुत कम स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप BGMI वगैरह के शौकीन हो, आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इसके अंदर आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम पर BGMI के अंदर खेल सकते हो। और हमने जहां तक इसके अंदर BGMI खेला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी लेग वगैरह का इश्यू नहीं मिलता है, जायरो वगैरह भी एकदम अच्छे से काम करता है। हाँ, अगर आप ज्यादा इसके अंदर खेलोगे, अगर आपके AC वगैरह ऑन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा हीटिंग का इश्यू मिलेगा, जो कि सभी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज दी जा सकती थी इस प्राइस के हिसाब से। काफी भाई पूछते कि भाई इसका मतलब क्या UFS 3.1 स्टोरेज का, तो देखिए इससे ना हमारी जो फाइल वगैरह हम कॉपी वगैरह करते हैं या फिर दोस्तों हम जो भी ऐप वगैरह ओपन करते हैं काफी ज्यादा फास्ट होता है, अगर आपकी जो UFS स्टोरेज है वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो यार सच कहूं तो यार प्रोसेसर मुझे इसका पसंद आया इस प्राइस के अंदर। अगर आपका मेन टारगेट गेमिंग वगैरह है, आप हेवी टास्क के लिए इसको यूज में लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। हमने कुछ प्रॉब्लम देखी है डिस्प्ले के अंदर भी। इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और ये सिर्फ नाम की नहीं, हमने आउटडोर के अंदर इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया है, तो वहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगी। आउटडोर के अंदर भी आपकी डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है। पर दोस्तों आप जब भी कॉन्टेंट वगैरह देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर आप 4K के अंदर कॉन्टेंट तो देख सकते हो, पर दोस्तों अगर आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी तो आपको ना थोड़ा सा लेग का इश्यू मिलता है, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी फ्रेम ड्रॉप होती है, आवाज एकदम सही रहेगी पर दोस्तों वीडियो थोड़ी थोड़ी अटकने लग जाती है अगर आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी रहती। और अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखोगे वहां पर भी आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको पता होगा इसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और पंच होल डिस्प्ले है, तो जब भी आप कॉन्टेंट वगैरह देखोगे काफी मजा आता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना 2K तक के कोई भी वीडियोस वगैरह देखो, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले के अंदर हाँ 4K के अंदर कभी कभार यहाँ पे लेग होता है, पर इस प्राइस के हिसाब से आप देखोगे ना तो भाई साहब सही है, क्योंकि ऐसे दूसरे स्मार्टफोन नहीं है इस प्राइस के अंदर जिनके अंदर आपको 4K का ऑप्शन मिलता हो। अगर मिलता भी है तो उनके अंदर मैंने देखा कि थोड़ा ज्यादा लेग का इशू मिलता है। तो जब भी आप कंटेंट देखो, अगर आपको अच्छा मजा चाहिए तो आप यहाँ पे 2K तक देख सकते हो। तो यार यहाँ तक देखा आपने कि प्रोसेसर वगैरह के अंदर काफी अच्छा निकल रहा है, जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता ही दी है। पर दोस्तों अगर बात करें ना कैमरा के बारे में, तो इसके पीछे आपको दिखने में 3 कैमरा जी मैंने आपको बताया था, पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा और है जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं है। और जो यहाँ पे नीचे आपको एक कैमरा की तरह और दिख रहा है वो है फ्लिकरिंग सेंसर, यानी कि जब भी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं हमारे यहाँ पे जब लाइट वगैरह सही नहीं रहती तो फ्लिकरिंग करने लग जाता है, तो ये ना फ्लिकरिंग को काफी हद तक कंट्रोल करता है। हमने दूसरे स्मार्टफोन से कंपैरिजन भी करके देखा है तो हाँ सच में यार कंट्रोल तो करता है फ्लिकरिंग वगैरह को। और जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। हमने काफी सारी फोटोज क्लिक की यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर, 2x पोर्ट्रेट के अंदर काफी अच्छी फोटोज निकल कर आ जाती। पर अगर दोस्तों आपको कैमरा के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो मैंने इसका कैमरा टेस्ट का वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। हमने पूरी डिटेल के अंदर इसका कैमरा टेस्ट आपके लिए बनाया है। और अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहो तो बे कैमरा से 4K 30fps पर वीडियो बना सकते हो। और अच्छी बात यह है कि ना 4K के अंदर भी आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आप स्टेबल को ऑन कर सकते हो और बोके वगैरह के अंदर वीडियो बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। पर फ्रंट कैमरा के अंदर आप 1080 30fps पर ही बना पाओगे, तो मेरे हिसाब से 4K नहीं तो 1080 60fps का तो ऑप्शन मिलना ही चाहिए था फ्रंट कैमरा। तो यार दोस्तों मैंने जो इस स्मार्टफोन के अंदर देखा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इस मोबाइल की आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए
बना दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कभी भी आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदो तो यार आपके पैसे बच सके, क्योंकि दोस्तों हम होनेस्ट रिव्यू पर बिलीव रखते। मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।